योग क्या है? योग का वास्तविक स्वरूप। योग शब्द का अर्थ मिलन है, व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का अनंत चेतना या परमात्मा के साथ मिलन। यद्यपि अधिकतर लोग योग का अर्थ शारीरिक व्यायाम से ही लगाते हैं, योगासन अथवा मुद्राओं के रूप में ही पिछले कुछ दशकों में इसका प्रचार हुआ है। वास्तव में ये योग के गहन विज्ञान का मात्र एक छोटा सा पहलू है। यह वह गहन विज्ञान है जो मानव के मन और आत्मा के असीम सामर्थ्य को उजागर करने वाला है। हम में से अधिकांश लोग इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं से बाहर खोजने के अभ्यस्त हैं। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो हमें इस विश्वास के लिए बाध्य करता है कि बाह्य उपलब्धियाँ हमें वह सब कुछ दे सकती हैं जो हमें चाहिए। फिर भी हमारे अनुभव हमें बार बार यह दिखाते हैं कि कोई भी सांसारिक उपलब्धि कुछ और पाने की हमारी गहरी आंतरिक इच्छा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। तथापि अधिकांश समय हम स्वयं को कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत पाते हैं जो सदा हमारी पहुंच से ठीक बाहर वर्तित होता है। अपने अस्तित्व में न रहकर हम कर्म करने में फंस जाते हैं, उसके बोध की अपेक्षा क्रियाओं में फंस जाते हैं। हमारे लिए एक पूर्ण शांति और विश्राम की ऐसी अवस्था की कल्पना करना दुष्कर है जिसमें विचारों और भावनाओं के अविराम नृत्य की गति थम जाए। तथापि शांति की ऐसी ही अवस्था के माध्यम से हम आनंद और विवेक के ऐसे स्तर को छू सकते हैं जो अन्यथा असंभव है। योग विज्ञान विचारों की स्वाभाविक उथल पुथल एवं शारीरिक संचलता को, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने में बाधक हैं, शांत करने के लिए एक प्रत्यक्ष साधन प्रस्तुत करता है। साधारणतः हमारी चेतना एवं शक्तियां बाह्य जगत की वस्तुओं की ओर केंद्रित रहती हैं, जिन्हें हम 5 ज्ञानेंद्रियों के सीमित साधनों के द्वारा अनुभव करते हैं। क्योंकि मानवीय तर्क को स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंशिक और प्राय छलपूर्ण तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यदि हमें जीवन की पहेलियों को सुलझाना है तो हमें चेतना के और अधिक गहरे और सूक्ष्म स्तर तक पहुंचना सीखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ किस लिए हूं, मैं सत्य को कैसे जानूं। योग सामान्य बहिर्मुखी शक्ति और चेतना को अंतर्मुखी करने की एक सरल प्रक्रिया है जिससे मन अविश्वसनीय इंद्रियों पर निर्भर बने रहने की अपेक्षा प्रत्यक्ष बोध का शक्तिशाली केंद्र बनकर सत्य को वास्तविक रूप से अनुभव करने योग्य बन जाता है। योग की क्रमानुसार विधियों के अभ्यास द्वारा, न कि भावनाओं में बहकर या अंधविश्वास के कारण, हम उस अनंत ज्ञान शक्ति एवं आनंद के साथ अपने एक आत्मा को जानते हैं जो सबको जीवन प्रदान करता है और जो हमारी आत्मा का सार है। योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। आपने महसूस किया होगा कि मन प्राय अस्थिर रहता है। यह अस्थिरता हमारी संचल वृत्तियों के कारण है। वृत्ति का अर्थ है चित्त को व्यवहार में लाना। जिस वस्तु के प्रति हम जैसा सोचते हैं या व्यवहार करते हैं उसे वृत्ति कहते हैं। सुखद दृश्यों को सोचकर या देखकर उन दृश्यों के प्रति प्रीति की भावना, लगाव की भावना स्वाभाविक हैं। इसे राग युक्त वृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत किसी दुखद घटना को याद करते हुए या ग्रस्त होते हुए उसके प्रति दुख की भावना का आना स्वाभाविक है और इसे द्वेष युक्त वृत्ति कहते हैं। हर समय हमारे मन में एक न एक वृत्ति का संचार होता रहता है। हमारी वृत्तियाँ हमारे पूर्व संस्कारों और वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले विषयों के कारण होती हैं। हमारी वृत्तियों के आधार पर जो विषय स्वयं को ठीक लगते हैं वही चित्त द्वारा आत्मा के सम्मुख लाए जाते हैं। जब जब हम अज्ञानवश अपने आप को चित्त मानते हुए उन्हें ग्रहण करते हैं तब तब मन में राग युक्त या द्वेष युक्त वृत्ति का संचार होता रहता है। इन वृत्तियों को चित्त की बाह्य वृत्ति कहते हैं। अभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों को बाहर की वस्तुओं विषयों से हटाकर
अंदर की ओर करते रहने से वृत्तियों का भटकना बंद हो जाता है। उन वृत्तियों को पूर्णतः शांत और एकाग्र कर लेने का नाम योग है। इसे योग चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। सिद्ध योग से पूर्ण योग संभव है। सब परिवर्तन भीतर से आते हैं, बाहर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी मिलेगा वह भीतर से मिलेगा। आपको सिर्फ मंत्र का मानसिक जाप बिना होड़ जीभ हिलाए करना है और दो समय 15-15 मिनट का ध्यान करना है। आइए गुरुदेव की आवाज़ में वह मंत्र सुनते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है, पातंजल योग दर्शन। सत्ती सूत्र में इसका वर्णन है, समझे। ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर सुनाई देता है, समझे। मैं कई शिष्यों को देखता है, जब फ्यूचर दिख जाएगा तो फिर किस काम में फायदा है, किस में घाटा है, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर फेल्योर नहीं हो गए, व्यवहारिक जगत में फेल्योर नहीं हो गए। और पास तो जो बीत चुका बीत चुका। मैंने एक किताब लिखी है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश में है। उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा और 30 साल की उम्र में आया। उन्होंने 3 साल में आपको मार दिया, 3 साल में उनको क्रूसीफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहाँ जन्मा, कहाँ मरा, 18 साल कहाँ हुआ, सब आपको दिख जाएगा, समझे। अब वहां इज्म आ जाता है। ईसा कर नहीं सका, मोहम्मद नहीं कर सका, मूसा नहीं कर सका। 3 ग्रंथ है उनके, तैरात, एंजल्स और कुरान। और तीनों इस बात से परेशान है कि एक हिंदू है, हम नहीं कर सके वो काम, ये कैसे कर रहा है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा, आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। तब फिर संसार का, अब ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पर हो रहा है, ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अविव से, उसने कहा आप तो ईसा के अवतार हो, यहां क्यों बैठे हो, समझे समझे। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राधा के बिना कृष्ण राधा, शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो गंगानाथ जी का मायक हूं भाई। रेल में तो रिटायरमेंट कर, तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा, समझे समझे। तो आए तू की कृपा की मुझे, मैं तो इस लाइट के बनावा को नहीं समझता था। मिर्ची अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है।
तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम से चालू रखो, कोई प्रकार की यौगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी, मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, शुरू कर दो।